अंदर क्या कर रहा है? मैं बोलूं मेरा हुआ है। हाँ किसके साथ? हाँ किसको उड़ाना है? मेरे साथ ही हुआ है। किसके साथ? लेकिन या इना में देखिए लंदन बोले बन बोले बोले जल्दी बताएं क्या हुआ था। वो देख आ गए आ जाओ मजाक में बताएं मजाक में बताएं क्या हुआ था। देखे पहले ये गुल्लू दादा ने मेरी मेरी दोस्त पे सरे भाई गाड़ी से बाहर आ जाए हाथ उठाया इधर आए फिर हम इनके पीछे भागे तो ये हमको पूरा भाड़गांव बोलते गाड़ी में बैठ के फरार हो गया। अब तुम्हें क्या स्टोरी सुनाई है इन्होंने? इन्होंने स्टोरी ये सुनाई है इन्होंने तुम्हारी इन्होंने तुम्हारी जान बचाई है और तुम इसको फावड़ा लेके मार रहे हो लड़की के पीछे हैं। इन्होंने कहां से जान बचाई है भाई? बता दूं मैं। अच्छा बताओ। अच्छा एक सेकंड एक सेकंड सब शांत हो जाओ। बेहोश होगा ना गुल्लू दादा। शरीफ भाई इधर आए। सब शांत रहे। आप जो है आप इतने मासूम है यार आप गाड़ी बैठे रह गई यार मैं सोचा कि लड़ाई में नहीं आपको लेट तो नहीं हो रहा? नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। आओ यार आओ लड़ा सा लड़ाई हो गई दोस्ती यार। और गलती से नहीं हुआ सुनो मैं मार ताकत को रहा था मुंह पे बोलता हूँ मैं इसने मेरे को ये हिडन रेन का केस पड़ेगा भाई। हिडन रेन का केस ही नहीं है बीच रोड पे मार रहे हैं भाई। हिडन रेन का है उसने मुझे धक्का दिया तो मेरा गुस्सा का मुंह पे तो मारा इसको फिर आप कुल्हाड़ी लेके क्यों मार रहे हैं? नहीं भाई साहब कुल्हाड़ी लेके आप रोड पे भाग रहे हैं। कौन भाग रहा है कुल्हाड़ी लेके भाई साहब? मेरे मियां जान मियां जान कौन कह रहा था डरपोक नाम बताएं उसका। सब क्लियर दे रिया डरपोक बोल रहा था गुल्लू गुल्लू ये गुल्लू के हाथ पे चाकू से धमका रहा है। मेरे को अभी डरपोक बोल रहा है मेरे को डरपोक किसने बोला वो बताएं ऑफिसर। अरे गुल्लू गुल्लू तो मेरे साथ ही है। अरे यार वो आके मेरे को बोल रहा है तुम्हारा क्या है ये बता। वो कुछ नहीं तुमने ठोका है ठोकूंगा दोबारा ठोकूंगा। गुल्लू जी आप मेरे साथ है चिल करें चिल करें। अरे इधर आए आरएमएनजी में आता तो इन लोगों ने क्या स्कैम करा है इधर आए। ये आरएमएनजी में गाड़ी चला रहा था ठीक है चलती रोड पे चार लोग भाग के आते एक के हाथ फावड़ा बेचारे एक सेकंड मैं बात कर रहा हूं मैं बात चुप चुप मैं अभी बात क्यों कर रहा है भाई साहब 500 डॉलर मिल रहे हैं ना इसको इसलिए। नहीं नहीं 500 नहीं मिल रहे हैं गाड़ी में बैठ रहा नहीं मिल रहे कोई 500 कुछ नहीं मिल रहे कुछ नहीं मिल रहे। आरएमएन जी मैं बोलूं मैं पूरी बात बोल लूं या ये बोल सुनो। तो आरएमएन जी हुआ क्या मैं अपने शरीफ शेख को कस्टमर को सीढ़ी टूट दे रहा था ठीक है सीढ़ी टूट देते देते मैं इनसे बात कर रहा था इतने में देखा चार लड़के मेरे आगे से भागते हुए आ रहे हैं। एक लड़के के पीछे तीन सुनो मेरी बात सुनो एक लड़के के पीछे फावड़ा लेके एक बंदा भाग रहा है बेचारे गुल्लू दादा भाग रहे थे मेरी गाड़ी के आगे हल्का सा इनको टक्कर लग गई क्योंकि बहुत तेज भाग के तो मेरी गाड़ी बैठ गए कहते मासूम भगा मेरे को डर लग रहा है भगा क्योंकि ऑब्वियसली इनके पीछे लड़के भाग रहे हैं तो मैं इनको बिठाऊंगा गाड़ी में वो फावड़ा लेके भाग रहे हैं यार। तो मैंने इनको बिठा लिया जैसे थोड़ी दूर गया तो इन्होंने मुझे बताया लड़के तो जैसे मैं इनको थोड़ी दूर आगे लेके गया गुरु जी ने मेरे को सब सच बता दिया कि इनके पीछे ये क्यों पड़े थे। गुरु जी अब आगे बताओ क्यों पड़े थे। मैं बताता हूँ क्या हुआ। नजाकत जी जो है वहाँ पर पिंकेज के सामने जो बैंक है वहाँ पर ठिल गए ठीक है ये काया हो गए थे जी तो वही हो गया भाई खाना नहीं खाए थे उन्होंने ठिल गए बेहोश हो गए। तो मैं क्या किया मैं इनको इतना इनके पास गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं थी मैंने कॉल लगाया चक भाई को मेरे चक भाई फटाक से गाड़ी लेके इनको अस्पताल मैं लेके आया इनका इलाज हुआ उसके बाद बाहर आया तो ये जो ताकत है मेरे को गिरा रहा धक्का दे रहा मतलब किसी ने मुझे धक्का दिया भाई पहले मुझे धक्का मिला है मैं बात कर लूं ताकत या आप ही हीरो बनना बोले 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 तो भाई मेरे को ना बार बार धक्का दे रहा इतनी जोर जोर से गिरा तीन बार मिला मत करो उसके बाद मैं बोला कि अब हो गया भाई तो मैंने एक फाइट घुमाया तो गलती से काया को लगा मैं सॉरी बोला काया को लेकिन इनका जो नजाकत जी है ये भड़क गए ये कुलाड़ी लेके मेरे पीछे भागे ये और ताकत हाँ, एक और लड़का था देखा, और उसके बाद मासूम टैक्सी लेके आ रहा था मैंने अपनी जान बचाने के लिए मैं बैठ गया उनकी द सेवियर की गाड़ी टैक्सी में ये हुआ मैं चाहता हूँ प्लीज ये कुलाड़ी वाले को ये ताकत को अंदर डाले और मासूम को कंपनसेशन दिया जाए क्योंकि उनको इनका लंबर बैन करवा देते हैं जो कुलाड़ी लेके भाग रहे थे ये कुलाड़ी है और इनको इन्होंने अच्छा ठीक है इनका लंबर बैन हो गया एक सेकेंड हो गया ठीक है उसके बाद भाई साहब चलो ठीक है अब इन्होंने बचाया शायद नजाकत को याद नहीं होगा बेचारे बेहोश थे इनकी जान बचाई है अब मैं और गुल्लू के मेरे को किसी ने धक्का दिया फिर मैं गुल्लू को धक्का लग गया हम दोनों गिर गए फिर किसी ने मुझे धक्का दे दिया मैं गिर गया ये सब चल रहा था इन्होंने फिर हाथ उठाया और वो लड़की पे लग गया ठीक है। अब भाई साहब लड़की पे अरे भाई साहब आपके साइड क्या है एक मिनट सुनने मेरे को मैं आपके टाइम पे बोल रहा था मैं हीरो बन ले बनने हीरो नहीं बन रहे चुपचाप बैठे मेरी बात सुन ले चुपचाप बैठे रहे समझ गए प्यार से बात कर रहा हूँ मैं भी चुप रहे मेरा भी हाथ उठ जाएगा समझ रहे ठीक है सबको दूंगा शांत क्या
तो भाई मैं मैम 1% ही हो रहा है मैम, उनको बोलने के टाइम मैं भी तो चुप हो गया ना, रिस्पेक्ट की वजह से। एजेड आदमी है, एजेड नहीं हूँ, एजेड नहीं हूँ, चुप रहे। तो भाई साहब मेरी बात सुनिए, अब क्या सीन हुआ, अब हमारे बीच में ऐसे चल रही है बातचीत, इन्होंने लड़की पे हाथ उठाया भाई। अब ऑब्वियसली नजाकत भाई की वो बहुत ही देखे, कुलाड़ी निकालना मेरा फॉल्ट आया जी। अब वो मैं इंपल्सिवली हो गया, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, फिर ये भागने लगे, मासूम की गाड़ी से टक्कर लग गई नजाकत और इन दोनों को, नजाकत ये लेके गुल्लू को चला गया, ठीक है। उसके बाद आप इन्होंने आपने यहाँ तक इनकी सुन ली, उसके बाद ये आए हैं चाकू लेके, ठीक है, और उसके बोलते चाकू लेके खड़े रहे, बोलते अब बोल हाँ। और इसके बाद ये सब इनके दोस्त आ गए, बोल रहे कि हमने कुछ गलत कर दिया, एक मिसअंडरस्टैंडिंग होगी भाई साहब। उसके लिए एक बात सुने, आरएमएन जी बात सुने, ये फावड़ा निकालेंगे तो हम सेल्फ डिफेंस में उंगली दिखाएं ताकि हाथ काट दे हमारा, ताकि हाथ काट दे हमारा, पीछे रख हाथ दो लोगों, या हाँ फावड़ा दिखाएंगे तो हम हाथ दिखाए ताकि हाथ काट दे लोग हमारा, हमारी सेफ्टी में हम कुछ नहीं दिखाए क्या। सर मैं पहले मैं चाहता हूँ आसपास के लोग हटा देंगे, आप इतने लोगों को एंटरटेनमेंट नहीं देना, साइड में आ जाए जिनका काम है। देखे गुल्लू जी आप कहीं नहीं जाएंगे, गुल्लू जी आप कहीं नहीं जाएंगे, गुल्लू इधर है, मैं गुल्लू जी हम कहीं नहीं जाएंगे, साफ बात हम कहीं नहीं जाएंगे, ऑफिसर ये हमारे सब साथ है, हम भाई कॉलर में ले जाकर मारेंगे, ठीक है। चलो आओ गुल्लू जी, आओ आओ गुल्लू जी, आओ एक सेकंड मैं अपना बंदे लेकर, वो देखिए दीवारों पे बैठ गए लोग, एक सेकंड एक सेकंड, ओए यार जॉनसन मजनू आओ यार, ये दो बंदे चाहिए यार बैकअप के लिए यार, अब ज्यादा हो रहा है ताकि तुम लोग हमारा वो ना करो सपोर्ट। अरे भाई अकेले क्या क्या बोला आपने भाई साहब, दोबारा बोले हो भाई साहब, मैंने बैकअप के लिए बंदे बुलाए यार, मेरे को तुम अकेले मारोगे हैं, पीढ़ी चलो पीढ़ी चलो 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 शरीफ भाई अभी आपको जहाँ लेके जा रहा हूँ वहाँ पे पीढ़ी है वो। शरीफ भाई सुनो, ये पुलिस डिपार्टमेंट है, यहाँ पे कुछ भी अड़ाड़ा हो तो यहाँ आना होता है, ठीक है, जैसे अभी भी हम आए हैं। अरे मार दो मार दो, आराम से आराम से, शरीफ भाई ने बोला बोला बोला, शरीफ भाई ने बोला, शरीफ भाई ने कहा आराम से आराम। अरे मनु देख के अब ठीक है, सब रोज का रूटीन है, पुलिस ही नहीं आई है कौन करेगा केस। वो यार चिंटू भाई यार हां हो गया यार चिंटू भाई, हां यार मैं मैं फट गया था यार, वापस आया तो पंगा हो गया था यार। ओ यार चिंटू भाई अरे मत रखो, बैन पड़ जाएगा, नंबर पे बैन पड़ जाएगा, मत करो मत करो। इसकी बात होती है, मैं बेस्ट काम करता हूं, तो दादा तुम आज भी जिनका लड़ाई हुआ वो तो आए नहीं ब्रो, भाई जरा बुला ले यार, वो आए नहीं कोई, हम ही अकेले आ गए यार, वो तो आए नहीं यार, हमें पर यार रख के कर दे यार उनके अगेंस्ट। पर गुल्लू जी ठीक है, गुल्लू जी को पेल तो नहीं जाके जाके गुल्लू जी को कैमरे जाके पेल रहे वो लोग, हम यहाँ बंदे बुलाते रहेंगे, गुल्लू जी छुपिए मासूम कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के एक माले पे आओ, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग कहाँ चले गए आप लोग, आ रहा हूँ आ रहा हूँ, मैं अकेला हूँ, अकेला कैसे हो वहाँ पे, जल्दी आओ, अकेले आओ तुम, अकेले आओ, अकेले कैसे आओ, मेरा कस्टमर एक बैठा हुआ है साथ, आ तो उसको टैक्सी तो ले चला रहा था, बी टैक्सी भी तो आप आए थे, रुको मैं लेके आ रहा हूँ, चले जी को उठाए, एक बैठे एक बैठे एक बैठे जल्दी एक बैठे, अरे सॉरी।